ओके जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तां अज मैनूं थोड़ा जिहा टाइम मिलिया सी, मैं कहा चलो आपां कुछ तुहाडे नाल होर बना के शेयर कर दिंदे आ। काफ़ी लाइन ग्राफ नूं लैके काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे सीगे, तां बड़े ईजी जे वे नाल मैं तुहानूं इहनूं करवाउण जा रहा। ये लाइन ग्राफ है, चलो मैं तुहानूं करवाना, आपां पहलां थोड़ा जिहा समझ लईए। ओके, ये रीडिंग आ मैं हुणे सालों वैसे करके हटिया सीगा। ओके जी, तां ये अपने कोल लिखिया पिया आ, ठीक है। पहला तो जरा सब तो पहला आप थोड़ा जा लाइन ग्राफ नू ऑब्जर्व करांगे कि उदी डिमांड की है, उदी रिक्वायरमेंट की है। आयल्स की जड़ी मेन गेम है ना, चाहे लिसनिंग ले लो, चाहे स्पीकिंग ले लो, कोई भी मॉड्यूल ले लो, जे तुसी क्वेश्चन नू अंडरस्टैंड नहीं कीता ना, तो ना तो थोनू ट्रू फॉल्स का पता लगना, ना लिसनिंग दे विच एमसीक्यूज का पता लगना, ठीक है। चलो जी, तो आप मेन जी गल है उहदे ते आउने आ। ओके जी, तो अपना ग्राफ देखो। पहला तो कहते ग्राफ अपना जो कह रहा है, ग्राफ बिलो शो द एवरेज कंजम्पशन ऑफ चीज, लाइक पनीर खाधा गया कितने, ठीक है, वो पनीर की कंजम्पशन की गल हो रही है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ चीज पर परसन इन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड बिटवीन 1980 एंड 2020। अपने को डेकेड्स गिवन ने, इधर अपने को किलोग्राम्स दे विच डाटा गिवन है। आ चार कंट्रियां दे द्वारा एनुअल, लाइक एक साल दे विच जिन्ना कि जिन्ने किलोग्राम चीज खाधा जांदा सीगा ओदा यह डाटा है, ठीक है। नीली लाइन जिहड़ी है इंग्लैंड दी है, रेड ओह तुहानू पता ही है, इन्ना कि तो तुसी जानदे हो, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आपां अराउंड 10-12 मिनट च इहनूं फिनिश करांगे। तां पहलां आपां इहदी जिहड़ी इंट्रो बनाउणी है, उहनां ने एक्टिव दे विच आपां नूं गिवन है, आपां इहनूं पैसिव दे विच कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आपां एग्जामिनर नूं शो कर सकीए कि सानूं पैसिव फॉर्म भी आउंदी है। उहदे नाल की है, किते ना किते उह ज्यादा नंबर आपां नूं दिंदा है, ठीक है। चलो, तां आपां की लिखिआ, द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये तीन वर्ड लाइक तुसीं याद कर लो जे तुसीं पैसिव च सीखणी है। इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग, उस तों बाद की करो, फोर वेरियस नेशन, चार अलग अलग देश जिहड़े कि आह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। नेमली, नेमली दे लैफ्ट साइड ते कॉमा आउंदा हुंदा है, ठीक है। नेमली इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आपां चारां दे नाम लिख दित्ते। वेयर अगे लिखिआ आपां, वेयर यानी कि जिथे, वेयर जिथे दी एवरेज चीज वाज ईटन, जिथे के एक एवरेज चीज खाधा गया, ठीक है। वाज ईटन पैसिव, कदों किवें खाधा गया, पर हेड उन्होंने लिखिआ सीगा, पर परसन आपां लिख दित्ता जी, पर हेड उन्होंने लिखिया सी किलोग्राम्स। हुण किलोग्राम्स दा कोई सिनोनिम तां हुंदा नहीं, कितने मिलीग्राम कढ़न बैठ जाओ उत्थे, वो काम नहीं करना, ठीक है। किलोग्राम नूं किलोग्राम्स लिख दिओ। बिटवीन 1980 एंड 2020 कैन बी डिपिक्टेड, आ देखो पैसे बनाता आपां, कैन बी डिपिक्टेड, भी ये जिहड़ा है डिपिक्ट कीता जा सकदा है, इत्थों लाइक देखिया जा सकदा है, ठीक है। थ्रू द रेंडर्ड लाइन ग्राफ, रेंडर्ड का मतलब होंगे गिवन, दिते हुए लाइन ग्राफ द्वारा जरा ये डाटा आ ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जी उन्होंने गल लिखी सी, दी ग्राफ बिलो शो दी एवरेज कंजम्पशन ऑफ चीज, आपू एज इट इज गल मीनिंग मीनिंग बिना चेंज किए अलग वर्डिंग दे विच लिख दिता, तो आप इनू नाइसली डन कर दिता, ठीक है जी। उस तो बाद देखो जी, उस तो बाद अपने को आ गया ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल इतने लिख लो, ब्रीफली लिख लो, जो भी वर्ड लिख लोगे। ओवरऑल मैं क्यों नहीं लिखता, क्योंकि मैनू पता है भी बहुत सारे बच्चे ओवरऑल लिखते हैं, मैं थोड़ा जा अपने आप को हटा के दिखाना चाहना, मैं अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना चाहना, ठीक है। तो आप लिखिया जी ब्रीफली दी मीन कंजम्पशन, ठीक है। हुण मीन का मतलब की है, मीन का मतलब है जी एवरेज, ठीक है। मीन एवरेज का सिनोनिम है, ठीक है। मीन कंजम्पशन ऑफ चीज, तां चीज़ दा जिहड़ा एवरेज कंजम्पशन है, कैन बी नोटिस्ड, देखिया जा सकता है, एज दी हाईएस्ट इन इंग्लैंड। तां तुसीं देखो आपां लिख दिता कि जिहड़ी चीज़ जिहड़ा पनीर खाधा गया आ इंग्लैंड दे विच, देखो कि सब तो हाईएस्ट देखिया जा सकता है, ते हैगा भी है, ठीक है। आपां उह गल लिख दित्ती। अगे आपां लिखिया हाउएवर, हाउएवर दा मतलब हुंदा परंतु, तां हाउएवर नूं जदों तुसीं इदां यूज़ करना, जे हाउएवर दे नाल सैमी कॉलन दिखाउणा चाहुंदे हो, पंक्चुएशन मार्क्स दे नंबर भी लेना चाहुंदे हो, तां इत्थे आ सैमी कॉलन लगा दो, आ चीज़ जिहड़ी मैं लगाई है, ठीक है। नहीं फिर इत्थे फुल स्टॉप लगा दो, हाउएवर दा एच वड्डा कर दो,
ठीक है, ते जे सेमीकोलन दे नंबर लेने आ तां फिर एच छोटा कर दिओ, इत्थे जिहड़ा काम आ इहनू रनिंग दे विच रख लो, सेमीकोलन जिथे लगदा है दैट मीनस आपां एग्जामिनर नूं कह दित्ता कि एग्जामिनर सर साडा जिहड़ा सेंटेंस आ हले रनिंग दे विच चल रहा सी, इहनू इत्थे रोकणा नहीं चाहुंदे, साडा सेंटेंस हले अगे होर कनेक्टिविटी बना रहा। ठीक है, तां आपां लिखिआ कि जिहड़ा ज्यादा आ उह इंग्लैंड दे विच देखिआ जा सकदा है, परंतु दी रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज, रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज मतलब जिहड़ियां बच गईआं इंग्लैंड तों बिना, जिहड़ियां बाकी दीआं कंट्रीज बच गईआं, हैड दी लीस्ट इनटेक ऑफ इट। हुण इत्थे आ चीज़ां दे ना नंबर सच्ची च बहुत हुंदे आ। हुण इत्थे इट मैं किहनूं लिखिआ, इत्थे मैं इट लिखिआ जी चीज़ नूं। लाइक पहला नाउन यूज करो, देन प्रनाउन यूज करो, वार वार चीज 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 लिखण दी लोड़ नहीं। ठीक है, जस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन नाल खेडो, ज्यादा स्कोर आउंदे ने इस चीज नाल। ठीक है, तां आपां क्या, द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड द लीस्ट इनटेक ऑफ इट ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। तां आपां हुण ड्यूरिंग द पीरियड गिवन जिहड़ा लग्या आ, इन्नी गल जिहड़ी लगी आ, इह हुण क्यों, इह उपरली लाइन वास्ते भी लगी है, इंग्लैंड वाली लाइन वास्ते, क्योंकि मैं सेंटेंस नूं रनिंग दे विच ही रखिया। ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड आपां की कहा सी, इंग्लैंड दी ज्यादा सीगी, तां देखो इत्थे भी ज्यादा आ, इत्थे भी ज्यादा आ, लास्ट च भी ज्यादा आ, शुरू च भी ज्यादा आ। ठीक है, उस तो बाद आपां कहता भी बाकी कंट्रीज दी इहदे मुकाबले घट आ। ठीक है, हैड द लीस्ट इनटेक ऑफ इट, पनीर दी जिहड़ी इनटेक आ उह घट आ, ड्यूरिंग द पीरियड गिवन जिहड़ा दित्ता होया समय उहदे विच घट आ। होप इन्ना क समझ आ गया, हुण अगे चलदे आ। ओके जी, तां बीपी वन जिहड़ा आ उह देखो इक बार, आपां बीपी टू नूं इक बार नीचे कर दिंदे। ओके, तां हुण बीपी वन दे विच आपां की करांगे, बहुत बच्चे ना खलारा पा लैंदे ने अपने ग्राफ दा, पर नहीं पाउणा। देखो एक गल याद रखियो, हेल्प द एग्जामिनर, एग्जामिनर विल हेल्प यू। जे तुसी एग्जामिनर दी हेल्प करदे हो, एग्जामिनर थोड़ी हेल्प करूगा। ठीक है, स्कोर दे के। ठीक है, ओके, उस तो पहले मैं एक चीज मेंशन कर दिया, ऑनलाइन क्लास बाद च मैनूं याद भुल जाणा, ऑनलाइन क्लास लैण दे लई तुसी भाई ये नंबर आ गिवन 38, इहदे ते मैनूं मैसेज जां कॉल कर सकदे हो। ठीक है, आपां तुहानूं ऑनलाइन क्लास दे विच ऐड कर लांगे, और इहदी एक पर्टिकुलर फीस आ। ठीक है, जिहड़ी फ्री क्लास है उह मैं सिर्फ संडे नूं ही दे रहा। ठीक है, ओके, चलो जी, तां देखदे आ। हाँ, मैं ये गल कर रहा सी कि बच्चे बहुत ज्यादा ना खलारा पा दिंदे ने, उह खलारा नहीं पाउणा। पहलां इंग्लैंड नूं चक्को, इंग्लैंड दी गल कर दो, मुड़ के इहनूं चक्को, इहदी गल कर दो। तुसीं कई वारी की करदे हो, इंग्लैंड दे नाल इहनूं कंपेयर कर दित्ता, इहनूं भी कर दित्ता, इहनूं भी कर दित्ता। उह बाद दे विच मैं कहिंदा जे 10 दिनां बाद मैं तुहानूं कहां ना वी आपदा ही टास्क पढ़ के समझा दिओ, अद्धे जवाक नहीं समझा पाउणगे 10 दिनां बाद। क्योंकि देखो ग्राफ तां उह है, भावें 2 सालां बाद पढ़ लो, पढ़ के समझ आउणा चाहीदा वी तुसीं लिखिआ की है। ठीक है, चलो आपां लिखिआ जी, फर्स्टली फोकसिंग ऑन इंग्लैंड, आपां कह दित्ता देखो, टू कमेंस विद, इट इज ल्यूसिड दैट, वो सब क्रैमिंग है, एग्जामिनर नूं पता लग जांदा वी इह किसे ना टीचर ने इन्हां नूं ना रटा के भेजीआं ने चीज़ां। आ देखो नैचुरल राइटिंग करो वी, पहला असीं एग्जामिनर जी इंग्लैंड दे उत्ते थोड़ा फोकस कराउन लगे हां, वी तुसीं इंग्लैंड इंग्लैंड नूं देखो। ठीक है, एग्जामिनर ने भी देखिया ग्राफ दे विच, ओके बच्चा हुण इंग्लैंड दी गल करन लग्गिया। ठीक है, तां दी अमाउंट ऑफ चीज़ ईटन बाय दिस नेशन इन 1980 वाज अबव 100 kg। तां आपां की किया, इन 1980 दे विच, इत्थे मैं पेंसिल खोल दिया, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਅਬਵ 100 kg ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਲਾਈਕ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 100, 110, 120, 130, ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 125 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਹਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 107 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਐਂ ਐਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਈਟਨ ਬਾਈ ਦਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ 1980 ਵਾਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 108 ਗ੍ਰਾਮ। 108 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਰੂਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ 108 ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ।
देखो जे मैं थोनू कहा किसी की राइटिंग 5 मिनट च पढ़ के दिखा दो, जे उन्हें आए लिखिया होवे थोड़े तो नहीं पढ़ होनी। उदा ही एग्जामिनर वास्ते थोड़ा टास्क नवा होगा, इस करके 108 क्वेश्चन ही लिखना होंगे। की लिखना है देखो बड़ा ध्यान दे नाल, यही कुछ लिखना बस, जस्ट जो मैं थोनू लिखवा रहा। इस तो हट के कुछ ना लिखियो अपनी मर्जी नाल, जे कुछ लिखना तो बड़ा वाइजली लिखना है। आपा की लिखिया इस चीज नू, बाय दिस नेशन इन 1990 वाज अबव 100 kg। ता आ देखो आ 100, बस इन्हां लाइनां दा ध्यान रखना। आ एक काली लाइन पई है, आ काली लाइन पई है, तो आपां उन्हूं लिख दिता भी 100 kg तो ये चीज अबव सीगी। होप करदा इन्नी क चीज क्लियर होनी हुई होनी है। अगे चलते हैं, उस तो बाद आपां की करिया जी के ओके विच वॉज वेल अबव द स्टैटिक्स स्टैटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज। ये लाइन नू याद कर लो, रट्टा ला लो, घोटा ला लो, कितने लगनी है लाइन, जेडी वैल्यू सब तो ज्यादा होया करेगी ओदे उपर वो वैल्यू मेंशन करके तुसी लिख देना कि विच वॉज वेल अबव द स्टैटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज। हम देखो इंग्लैंड जेड़ा आ सारिया कंट्रीज दे नालों ज्यादा है, तो इतने जो मन के चलो स्कॉटलैंड होंगे तो स्कॉटलैंड की वैल्यू मैनशन कर देनी सी पहली लाइन के, अगो आ लाइन लिख देनी सी विच वॉज वेल अबाउट द स्टैटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज, के जिदे आंकड़े स्टैटिक्स तो होंगे ने आंकड़े, कि जिदे आंकड़े बाकी सारिया कंट्रियां के आंकड़े नालों ज्यादा सीगे। वेरी ईजी, ठीक है। इदा दे सारे सेंटेंस मैं बच्चों ने लवाए हुए हैं और 6.5 ईजीली लैके आते हैं, ठीक है, राइटिंग दे। ओके जी अगे देखो, अगे आप लिख दिता जी सबसीक्वेंटली। सबसीक्वेंटली का मतलब होंगे अगे पंजाबी दे विच, ठीक है। दिस फिगर डिक्रीज्ड कॉन्टीन्यूसली एंड रीज्ड बिलो 100 kg इन 2020। तो आप की क्या जी ये फिगर आ देखो इतों लैके 1980 तो लैके ये फिगर जी कि जी डिक्रीज हुई किमें हुई, कॉन्टीन्यूसली लगातार ही डिक्रीज हुई। आप लिख दिता इनू कि लगातार डिक्रीज हुई, ते रीच कितने करगी ते कदों करगी वो चीज देखियो। दिस फिगर डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली इन कंटिन्यूसली एंड रीच्ड बिलो 100 kg, लाइक 100 kg तो थले चल गई। तो आ देखो आप उत्थे लिखा सी कि 100 kg तो अबव सीगी, 100 kg तो थले चल गई। हुण इत्थे आए नहीं लिखण जाना, लिखण लग जाना भी 75 तो 100 दे विच भी इत्थे लगभग लगभग मैनू आए लगता पे भी 80 ग्राम होगी, 80 किलोग्राम होगी। इदां दीआं गलतियां नहीं करनियां, जमा ही नहीं करनियां, ठीक है। सिर्फ टास्क लिखना मैटर नहीं हुंदा, टास्क एक्यूरेट लिखना मैटर हुंदा, ठीक है जी। ओके तो देखो उस तो बाद की हो गया कि ये 2020 दे विच ये जिहड़ी वैल्यू आ आपां उहनूं लिख दित्ता कि ये भाई 100 तों थले आ गई इत्थे, ठीक है, ते आ 2000 अपना 20 पिया। अगे देखो इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट आपां कदों लगाउने आ जदों मतलब हुण गल किसी चीज दी उल्ट हो रही है, लाइक जिहड़ी वैल्यू आपां मैनशन कीती है ओदे तो जिहड़ी हुण वैल्यू दी गल करन लगे आ जां तां उह कोई घट है ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 8, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ 8 ਅਰਾਊਂਡ 75 kg ਆਫ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਗਿਵਨ ਈਅਰ, ਦੈਨ ਅ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਵਰਚੁਅਲੀ 25 kg ਕੇਮ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਟਿਲ 1990, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ 75 ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਕਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕਦੋਂ ਖਾਧਾ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਗਿਵਨ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਗਿਵਨ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਾਧਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਸਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 75 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ 25 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਵਰਚੁਅਲੀ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇਮ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਟਿਲ 1990। ਕੇਮ ਮਤਲਬ ਆਇਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਕੇਮ ਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ 1990 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਈਅਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ 1990 ਟੂ 2020, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
इस ईयर तक की गल कर जा रहा। ठीक है, 1992 2020 आप लिखा इट्स इनटेक ड्रॉप्ड रैपिडली बाय अराउंड 5 kg। तो जो आप बाय लाने उदो आप वैल्यू नू माइनस कर देने होंगे। ठीक है, तुसी कन्फ्यूज ना हो, मैं एक बार इन रब कर दिया। तो आप की लिखा जी, बड़े ध्यान देखियो कि एदी जड़ी इनटेक सीगी, इट्स इट्स किनू लिखा, मैं चीज नू लिखा इट्स इनटेक ड्रॉप्ड रैपिडली। आ देखो इथों लैके एकदम ही डिग पी, तो डिगदी डिगदी कित्थे आ गई, इत्थे आ गई। ठीक है, हुण देखो आपां नू की लिख दिता, इट्स इनटेक ड्रॉप्ड रैपिडली अराउंड 50 kg। हुण देखो ये इत्थे 100 ते सीगी, ये आ कित्थे गई, ये लगभग इत्थे 50 कते आ गई, है ना, 50 दे अराउंड। तो आपां क्या भी ये 50 किलोग्राम ही घट गई। तो जो आप बाय ला दें तो आप उन्होंने माइनस करके वैल्यू में लिख दें। जे मैं इतने 2 ला तो फिर इतने मैं लिख दिता, फिर भी इतने 50 ही आना सी, क्योंकि इतने वैल्यू 50 की पई है। ठीक है जी, अगे चलते हैं। ओके, BP2 ते आ जाओ, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल हैगी, मैं लिख छड़िया। ओके जी, उस तो बाद एक कनैक्टर रखो कि फरदर स्क्रूटीनाइजिंग दी डिटेल्स, फरदर मतलब अगलिया डिटेलां दी हुण जिहड़ी असीं पड़चोल करन जा रहे हैं। स्क्रूटीनाइजिंग हुंदा पड़चोल करनी। ठीक है, इन वेल्स हुण आपां कंट्री दा नाम जिहड़ा अगे रख लिया, द इनटेक ऑफ चीज हॉवर्ड बिटवीन नीयरली 50 kg एंड 75 kg कदों, ड्यूरिंग ऑल गिवन ईयरस। ठीक है, तो आपां जिहड़ी आ येलो लाइन आ इहनूं आपां इक्को सेंटेंस च पूरा कर दिता। किवें कर दिता, आपां जिहड़ा वर्ड लगाया ना हॉवर्ड बिटवीन, इहदा मतलब हुंदा दे विचकार विचकार। तो मैं इत्थों एक वैल्यू चक्की, मैं इन्हों लिखा कि 50 तो लैके 75 दे अराउंड, इन्हां दे अगे एक वर्ड लगे हुए ने, देखो नीयरली 50। हुण नीयरली जे 50 kg वास्ते लग्या तो ओबियसली 75 वास्ते भी नीयरली ही लग्या, वर्ब सेम लगी, अपना एडवर्ब सेम, एडजेक्टिव सेम लग्या होया। ठीक है, तो नीयरली 50 kg ते 75 kg। हुण बड़े ध्यान नाल देखियो कि आ जिहड़ी वैल्यू है 50 kg ते आ जिहड़ी 75 kg है, मैं लिख दिता कि जिहड़ा वेल ने पनीर खाधा जी सारे समय के दौरान, वह इन्हें जिहड़ा खाधा वह 50 kg तो लैके 75 kg के विचकार विचकार सीगा। इको लाइन दे विच ही आपां पूरी लाइन मैनशन कर दिती। ये स्मार्ट सेंटेंस यूज करने पैंदे ने। हुण जे आपां इहनूं फिर पहलां इत्थों तक लिख दे, फिर आपां इहनूं इत्थों तक लिख दे, फिर इत्थों तक लिख दे, तो घट्टो घट्ट इहने 40-50 वर्ड खा जाने सीगे। ये अपना लाइन ग्राफ का वैसे ही डाटा 300 तो उत्ते चल जाता हुंदा है। ठीक है, तो आप उन्होंने लिखा हुंदा है कि तुसी अपना लाइक जिहड़ियां जिहड़ियां रेलेवेंट इनफॉर्मेशन ने उन्होंने यूज करो। आप 70% डाटा जिहड़ा आ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਵਨ ਦੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਦਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈਡ ਅ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਨਰਦਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਹੈਡ ਮਤਲਬ ਖਾਧਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੂਡ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਫੂਡ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਖਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ। ਨਰਦਨ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈਡ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚੀਜ਼, ਨਰਦਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਕਦੋਂ, ਇਨ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਈਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਦਨ ਆਇਲੈਂਡ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਪਨੀਰ ਖਾਧਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਕੌਮਾ, ਇਟਸ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਵਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ ਇੱਥੇ ਬਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਇਵਨ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵਨ ਤੋਂ ਨਰਦਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਾਧਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਕਦੋਂ, ਜਸਟ ਅਬਵ 25 kg ਐਂਡ ਆ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 kg। ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਧੀ, ਲਗਭਗ 25 kg ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਦੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 kg ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਆ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ
50 kg, थोड़ी जी 50 तो उपर चल गई। ठीक है, हुण उस तो बाद आपां की कीता, एक वर्ड लगा दिता इन 2000 एंड 2010, मगर लिख दिता रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब की हुंदा है? रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि जिहड़ी आपां पहली वैल्यू मैनशन की है आह वाली, ते दूजी वैल्यू मैनशन की है आह वाली, उस तो बाद आपां ईयर पहला मैनशन कर दिता आह वाला, उस तो बाद आ मैनशन कर दिता, दैट मीनस ये रिस्पेक्टिवली हो गई कि आ वैल्यू इनू डिनोट कर रही है, आ वैल्यू इनू डिनोट कर रही है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होएगा। बाकी जी ज्यादा डीप च समझने ने तो मैं फिर कहूँगा कि आ उपर जड़ा या नंबर गिवन है, ठीक है, वो तुसी अपना कॉल करो, क्लासेस लो, ठीक है, मैं एक महीने के पूरी थोड़ी करा दूंगा सैटिंग, ठीक है। ओके, एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट कैन बी नोटेड, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिहड़ा नोट किया जा सकता है वो केड़ा है जी? बड़े ध्यान नाल देखियो, वो ये है, आई रेज कर दी आपां पहला, है ना, ओके जी। तां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिहड़ा के नोट किया जा सकता है वो ये है, दिस फिगर, यही फिगर सरपास्ड, सरपास हुंदा किसी चीज़ नूं क्रॉस कर जाना, सरपास्ड स्कॉटलैंड्स कंजम्पशन कदों, इन द इवेंचुअल ईयर, लाइक आ जिहड़ा लास्ट वाला साल आ इहदे विच इहदी जिहड़ी कंजम्पशन सीगी स्कॉट नॉर्दर्न आइलैंड दी, ये की कर गई आ स्कॉट वाली जिहड़ी रेड लाइन आ इहनूं सरपास कर गई। सरपास दा मतलब की हुंदा है? कट के उपर लंघ जाना, सरपास कर गई। ठीक है, तां ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सी जिहड़ा कि नोट किया जा सकता है। आई होप सारे नु क्लियर होया होना। इस तो बिना जे किसी का कोई डाउट है स्टिल तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखो, है ना, मैं उत्थे थोड़े सारे दे रिप्लाई करूंगा, जिन्हों जिन्होंने भी जिहड़ी जिहड़ी चीज समझ ना आई हुई ना, मैं उत्थे तुहानू प्रॉपर सेंटेंस बना के भेज दूंगा। पर आए नहीं ना भी उत्थे क्लास वाला माहौल बना लियो भी इत्थे मैनू सानू हुण पूरी क्लास ही दे दित्ती जावे, कमेंट च जिन्ना का पॉसीबल होया मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, ते बाकी फिर एट द एंड लास्ट ते मैं थोनू थोड़ा जिहा ओके कर दिंदा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास हैगी है जी, आ नंबर गिवन है, ठीक है, ओके जी। तो ये हुण इहदा पीडीएफ बन जाना है, जदों मैं ये लाइव लिखदा बच्चों के सामने बैठ के लाइव लिखदा, ये पीडीएफ बच्चों नूं दे दिंदा हुंदा मैं बाद दे विच, फिर वो काफ़ी कुछ ये तो सीख लैंदे आ, ठीक है, तो करके जिहड़ा 6.5 राइटिंग का एवरेज स्कोर आई जाता है। ठीक है, बाकी 7 भी वाले भी हैगे ने, ठीक है, जिन्ना जिवें दा तुहानूं स्कोर चाहिए उदा दे असीं होके तुहानूं करा देंगे। ठीक है, 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल ने, ठीक है, ते चलो जी, तो ओके करते हैं इतने फिनिश, होप थानू पसंद आई होगी क्लास, ते अपनी फीलिंग्स जो भी ने कमेंट बॉक्स से दसो, ते लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल, बाय बाय जी।